नमस्कार। ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं वो इस समस्या को लेके आते हैं कि नींद नहीं आती है, नींद में प्रॉब्लम आ रही है। नींद आए इसके लिए टिप्स बताइए। ऑब्वियसली हमने इंसोम्निया पर वीडियोस किए हैं, पर काफ़ी पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको नींद ज़्यादा आती है, यानी दिन भर नींद आती रहती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी और सुस्ती होती है। तो वैसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं नींद ज़्यादा जिनको आती है ऐसी प्रॉब्लम लेके। तो आज बात करेंगे उन लोगों के लिए कुछ टिप्स पर कि जिन लोगों को नींद ज़्यादा आती है उनको क्या करना चाहिए ताकि नींद का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आपको दिन भर सुस्ती आती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो टाइम आप सो रहे हैं उसमें आपको प्रॉपर नींद चाहिए, अच्छी नींद चाहिए। यदि आप पूरी रात को प्रॉपर नहीं सोएंगे तो बाकी टाइम आपको डेफिनेटली ज़्यादा नींद आती रहेगी। तो इसलिए आपको इनफ और एडिक्वेट स्लीप और अच्छी स्लीप होना ज़रूरी है। 7 घंटे भी बिस्तर पर पड़े रहोगे और नींद नहीं आएगी तो डेफिनेटली पूरे दिन भर आपको सुस्ती और कमजोरी आते रहेगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो टाइम आप बेड पर स्पेंड कर रहे हो वो एक तो सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 घंटे के लिए सोने जा रहे हो और बाकी टाइम आप पूरे दिन जाग रहे हो तो डेफिनेटली आपको नींद आती रहेगी। आपको 7 से 9 घंटे के बीच का स्लीप लेना चाहिए और वो टाइम पर स्लीप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर 1/2 घंटे में 1 घंटे में आपकी नींद खुल रही है, आप बीच में 2 घंटे मोबाइल पर भी बैठे हो, 1/2 घंटे आप चल फिर भी रहे हो, कुछ खा के भी आ रहे हो और 4 बार यूरिन के लिए भी चले गए, उसके बाद आपको उतने ही घंटे आप अगर सो रहे हो तो डेफिनेटली आपको अगले दिन नींद ज़्यादा आएगी। तो यदि आपकी नींद अच्छी क्वालिटी की होगी और अच्छे ड्यूरेशन की होगी तो अगले दिन नींद आने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो सोने का एनवायरनमेंट है या जिस जगह पे आप सोते हैं, बेडरेस के लिए जाते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, स्लीप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यदि आप ऐसे बेड पे सोते हैं जो कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे रूम में सोते हैं जहाँ नॉइज़ ज़्यादा है, ऐसे वातावरण में सोते हैं जहाँ लाइट बहुत ज़्यादा है या कोई साउंड बहुत ज़्यादा है, वैसे वातावरण में आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी। मान लीजिए कई लोग को अगर हॉस्पिटल में ICU में अगर हम सोने को बोलते हैं तो कंटिन्यूसली वहाँ बजिंग होता रहता है, साउंड होता रहता है, पेशेंट्स आते रहते हैं, वैसे वातावरण में आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, स्लीप की क्वालिटी अफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे में डेफिनेटली आपको अगले दिन पूरे दिन भर सुस्ती लगती रहेगी। नेक्स्ट है कि जो दिन भर में या दोपहर में सोने की जो आदत है उसको कंट्रोल करना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन लोगों को लगेगा कि अगर नींद ज़्यादा आ रही है तो सो लेना बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा देर की नींद लेते हैं और खासकर अगर लेट आफ्टरनून और इवनिंग में अगर सोते हैं तो वैसे केस में काफ़ी चांस है कि अगले दिन भी आपको सुस्ती रहेगी और रात को जब आप सोओगे तो आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी क्योंकि आपका स्लीप शेड्यूल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आपका अगर आफ्टरनून आप ले भी रहे हो तो रात की नींद से कम भी 8-9 घंटे पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 बजे रात को सो रहे हो और 7 बजे आप फिर से सो लिए, तो जब आप 7 बजे सो लोगे तब तो नींद आ जाएगी, लेकिन जब 10 बजे सोने जाओगे या 11 बजे सोने जाओगे तब नींद नहीं आएगी और अगले दिन आपको फिर पूरा दिन नींद जैसा लगता रहेगा या सुस्ती होती रहेगी। तो डे टाइम नैप्स एक तो लेट इवनिंग में नहीं होने चाहिए और होने चाहिए तो शॉर्ट ड्यूरेशन होने चाहिए। 2 घंटे तक अगर आप शाम को सो लोगे तो रात को डेफिनेटली नींद नहीं आएगी, अगले पूरे दिन आपको सुस्ती लगती रहेगी। बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस नहीं लेना चाहिए। कई बार लोगों को आदत होती है कि दिन भर सुस्ती लगती है तो वो कैफीन और निकोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, इससे आपकी स्लीप की क्वालिटी इफेक्ट हो जाती है और आप रात को नहीं सो पाते तो अगले दिन आपको सुस्ती लगती रहती है। तो अगर आपको प्रॉपर नींद चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए ताकि अगले दिन आपको वीकनेस या कमज़ोरी या सुस्ती ना लगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पिछले दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करने के लिए, बहुत ज़्यादा देर तक जागने के लिए आपने बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी या कैफीन या निकोटीन की चीज़ें ना ली हो, नहीं तो वो आपकी रात की नींद को अफेक्ट करेगा और अगले दिन भी आपको कमज़ोरी और सुस्ती लगती रहेगी और आप उस दिन भी और ज़्यादा चाय कॉफ़ी और निकोटीन लेते रहोगे और ज़्यादा स्मोकिंग करते रहोगे। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी ऐसी आती हैं जो कि आपको कमज़ोरी या सुस्ती का एहसास करा सकती हैं, खासकर वो मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर को कम करती है या बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, जैसे कि यूरिन बढ़ाने वाली दवाएं हैं और ब्लड प्रेशर की दवाएं, खासकर बीटा ब्लॉकर्स है जो हृदय गति को भी कम करती है। ये मेडिसिन से काफ़ी लोगों को थोड़ा कमज़ोरी और सुस्ती हो सकता है। आपको थोड़ा ये दवा अगर आपको चल रही है तो उनके डोजेस को या तो कम करना पड़ेगा या उनको बंद करना पड़ेगा या बॉडी का डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना पड़ेगा, पानी की कमी बॉडी में ना हो इसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी और सुस्ती का एहसास ना हो।
इसके अलावा ज़रूरी है कि आप फिज़िकली एक्टिव रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे बैठे का जीवन जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है आपकी, तो आपको नींद ज़्यादा आती रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सुस्ती का एहसास लगता रहेगा। जो लोग फिज़िकली एक्टिव हैं, दिन भर मेहनत का काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनको कंपेरेटिवली नींद का प्रॉब्लम नहीं आता, कंपेरेटिवली ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सुस्ती कमज़ोरी का एहसास नहीं होता है। स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जो लोग को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, वो लोग भी कई बार नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। अगर आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो आपको दिमाग को वो थका देगा, बहुत ज़्यादा सुस्त कर देगा, शिथिल कर देगा, काम करने नहीं देगा। ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स आपकी नींद को भी अफेक्ट करते हैं, तो अगले दिन आपको काम करने में भी इसमें परेशानी होती है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपकी नींद प्रॉपर हो। इसके लिए ज़रूरी है कि दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं हो, बहुत ज़्यादा चिंता या परेशानी ना हो। चिंता परेशानी को कम करने के लिए मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब करके आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन के फिर ज़्यादा सुस्ती होने के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग सेडेटिव्स या नींद बढ़ाने वाली दवाइयाँ लेते हैं, उनको भी अगले दिन पूरे दिन भर नींद आने जैसा लग सकता है। ये काफ़ी कॉमन कारण है, क्योंकि कुछ मेडिसिन में नींद आने का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। प्रीगैबलिन है या नींद आने वाली जो बेंजोडाइजिपिन मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन का थोड़ा नींद आने का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कुछ और मेडिसिन है जो मस्कुलर पेन के लिए हम देते हैं, जैसे एमीट्रिप्टेलिन है, ड्यूलॉक्सिटिन है, ये मेडिसिन से भी थोड़ा नींद ज़्यादा आ सकती है। तो ज़्यादातर साइकेट्रिक मेडिसिन, मसल पेन की मेडिसिन और नींद वाली मेडिसिन आपको पूरे दिन भर कमज़ोर और शिथिल बना सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति का इसका टॉलरेंस अलग रहता है। किसी व्यक्ति को वही डोज में नींद कम आती है, किसी व्यक्ति को वही डोज में ज़्यादा आती है, किसी व्यक्ति को आधा टैबलेट लेके अगले पूरे दिन सुस्त रहता है और किसी व्यक्ति को चार टैबलेट खाने के बाद भी नींद नहीं आती। तो वैसा टॉलरेंस हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। इसलिए आप अगर ये मेडिसिन का डोज ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जितनी आपके लिए रिक्वायरमेंट है उतना आपको लेना चाहिए। इसके अलावा काम के बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लीजिए। अगर आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हो तो आपका मन भी थक जाता है, बॉडी भी थक जाती है, आप उतना लंबे समय तक काम नहीं कर पाते। तो आपको थोड़ा बीच बीच में काम में ब्रेक्स लेना चाहिए। ये ब्रेक्स लेने से आपका थोड़ा सा मन रिलैक्स होगा और आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या सुस्ती का एहसास नहीं होगा। इसके अलावा डाइट को प्रॉपरली मैनेज करिए। अगर आपने बहुत हेवी खाना खाया हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत हेवी खाना खाने के बाद आपको नींद ज़्यादा आती है। ऐसा होने का कारण ये है कि जब आप हेवी खाना खा लेते हो तो बॉडी को सारा ब्लड उस तरफ पेट में डाइवर्ट करना पड़ता है उस खाने को पचाने के लिए, और उस समय जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो ये ब्लड जो है हार्ट से, ब्रेन से, सब जगह से डाइवर्ट होकर पेट की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलता है, इसलिए आपको नींद ज़्यादा आती है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हेवी या फैटी खाना खाने के बाद आपको कई घंटे तक नींद आती रहती है, काम आप नहीं कर पाते। तो खाने को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करिए, खाना कम रखिए और खासकर काम के बीच में खाना बहुत थोड़ा सा ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा नेचुरल लाइट का एक्सपोजर प्रॉपर होना चाहिए। जो लोग बहुत बंद बंद कमरों में रहते हैं उनको नेचुरल लाइट या नेचुरल धूप नहीं मिलती है। बंद कमरों में रहने वालों को भी अक्सर बहुत ज़्यादा सुस्ती और कमज़ोरी लगती है। तो नेचुरल लाइट का अगर बॉडी को एक्सपोजर होगा तो ये भी आपके टाइम बैलेंस और मेंटल क्लॉक को, टाइम के क्लॉक को, स्लीप के क्लॉक को एडजस्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे भी आपका मेंटल बैलेंस ठीक रहेगा और नींद का आपका प्रॉब्लम कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहेगा। नेक्स्ट है कि सोने से पहले या दिन भर में आपका जो मोबाइल के स्क्रीन का एक्सपोजर है, खासकर ब्लू लाइट का जो एक्सपोजर है, उसको कम रखिए। जो लोग काफ़ी लंबे समय तक मोबाइल पर टाइम स्पेंड करते हैं या मोबाइल पर स्क्रीन पर देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं उस पर, उनको भी बहुत ज़्यादा नींद आने का प्रॉब्लम होता है। दिन भर उनको कमज़ोरी या सुस्ती रहती है, नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो एक तरह से देखा जाए कि जो भी फैक्टर्स आपकी रात की नींद को अफेक्ट कर रहे हैं वो आपके अगले दिन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे। रात को अगर नींद प्रॉपर नहीं हो पाएगी, चाहे वो दिन में आपने सो लिया हो या आपने कोई ऐसी दवा ले ली हो या आपने बहुत ज़्यादा कुछ खाना खा लिया हो, कोई भी कारण से आपकी अगर रात की नींद अफेक्ट हो रही है, कोई चाय कॉफ़ी की वजह से, कोई स्मोकिंग की वजह से, कोई व्यसन की वजह से, तो वो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ज़्यादा सुस्ती का एहसास कराएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रात को सोते समय अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल आपकी स्लीप हैबिट्स को अफेक्ट करता है, रात को आपकी नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, और उसके अलावा आपके दिन भर आपको कंपेरेटिवली वो लेथार्जिक या कमज़ोरी का एहसास कराएगा। तो आपको सुस्ती या कमज़ोरी का एहसास पूरे दिन भर लगता रहेगा यदि आप सोने से पहले ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो। इसके अलावा बीच बीच में जब आप दिन भर में काम कर रहे हो तो एक छोटा पावर नैप ले सकते हैं, शॉर्ट पावर नैप ले सकते हैं।
पर ये पावर नैप कई घंटों का नहीं होना चाहिए, आधा घंटा या मैक्सिमम 15-20 मिनट का होना चाहिए, जिसमें आप तुरंत सो जाएं, तुरंत उठ जाएं, तो इससे आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, जो बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स है वो कम हो जाएंगे, मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा, माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा, तो अगले दिन आपको सुस्ती कम मिलेगी और आपकी रात की नींद भी अफेक्ट नहीं होगी। आप उस दिन भी ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन 15 मिनट का पावर नैप ले लिया तो रात को उसके बदले नींद नहीं आएगी। तो शॉर्ट ड्यूरेशन का पावर नैप अगर आप ले रहे हैं तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आपकी नींद को अफेक्ट करती है, जैसे कि स्लीप एपनिया या नार्कोलेप्सी। स्लीप एपनिया का मतलब यह है कि वजन ज़्यादा होने की वजह से जब हम रात को सोते हैं तो श्वास की नली दब जाती है, जिसकी वजह से आदमी को बार बार नींद खुलती है, क्योंकि गला चोक हो जाता है, नींद खुलती है, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती और अगले दिन पूरा उसको नींद आती रहती है। इसको नार्कोलेप्सी बोलते हैं कि रात दिन भर बैठे बैठे आदमी सोता रहता है और रात को उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। इस तरह की अगर जिनको भी बीमारी है तो उनको नींद प्रॉपर नहीं हो पाती रात को और दिन भर सुस्ती का कमजोरी का एहसास होता है। अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की, पर टॉपिक लेंदी हो रहा है, इसलिए बाकी के पॉइंट्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, पार्ट टू में। कुछ और 10-15 पॉइंट्स है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं यदि आपको नींद ज़्यादा आने का प्रॉब्लम है। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हमने जो पॉइंट्स पर डिस्कशन किया उसमें ज़रूरी पॉइंट्स ये है कि आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, पर्याप्त ड्यूरेशन का, पर्याप्त क्वालिटी का आपको नींद मिलना चाहिए। कम ड्यूरेशन का नींद आपका रहेगा या अच्छी क्वालिटी का नींद नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। रूम या एनवायरनमेंट जहाँ पे आप सोते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, साउंड वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। दोपहर के टाइम बहुत लंबी नींद नहीं लेनी चाहिए, खासकर शाम के टाइम लंबी नींद नहीं लेनी चाहिए। स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस जैसे चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रात को सोने के टाइम, सोने से जस्ट पहले अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। कोई मेडिसिन अगर ऐसी चल रही है जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। यूरिन बढ़ाने वाली दवाई भी सुस्ती कर सकती है, उसको कम करना चाहिए। नींद वाली दवाइयों का डोज अगर ज़्यादा हो गया तो उसको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस करने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। काम के बीच में कुछ ब्रेक्स लेके अपने दिमाग को रेस्ट देना चाहिए। डाइट को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना चाहिए, छोटे छोटे अमाउंट्स में खाना खाना चाहिए, बहुत हैवी खाना एक बार में खासकर दोपहर को नहीं खाना चाहिए। नेचुरल लाइट का एक्सपोजर होना चाहिए, रात को स्क्रीन का टाइम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोबाइल पर टाइम स्पेंड मत करिए जब आप रात को सोने को जा रहे हैं। सोने से पहले अल्कोहल मत लीजिए, छोटा सा पावर नैप दोपहर को ले सकते हैं, 10-15 मिनट, आधे घंटे का। और यदि आपको कोई बीमारी है जो आपकी नींद को अफेक्ट कर रही है तो उसको एड्रेस करिए, उसको ट्रीट करिए। इसके अलावा आपकी पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज के वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे मिले होंगे जो आपकी मदद करेंगे यदि आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती और कमजोरी का प्रॉब्लम हो रहा है। टॉपिक एंड करने से पहले, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।